खड्डी चौकी का अमानवीय चेहरा आया सामने। एक महिला रात से है गायब, लेकिन नहीं ढूंढ रहे हैं खड्डी चौकी पुलिस। ग्राम चदरे की है महिला। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत क्षेत्र चदरे की एक महिला आधी रात से गायब है, लेकिन उसका कोई पता नहीं है। लेकिन जब उसके द्वारा उनके घर वालों के द्वारा शिकायत करने खड्डी चौकी पहुंचे, तो खड्डी चौकी प्रभारी ने साफ कह दिया कि हम अभी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, अभी 3-4 दिन ढूंढो, जब नहीं मिलेगी तो हम रिपोर्ट लिखेंगे। आपको बता दें कि एक अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है। तो वहीं पर देखिए किस प्रकार से ग्राम पंचायत क्षेत्र चदरे की जमीनी विवाद इस कदर रूप लेता हुआ नजर आ रहा है कि इस वृद्ध को लग रहा है कि उसकी बीवी अपहरण कर लिया गया है। कई बार ढूंढने और शिकायत करने के बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं रामपुर नगी क्षेत्र के अंतर्गत खड्डी चौकी के ग्राम पंचायत क्षेत्र चदरे की, जहां पर ग्राम पंचायत क्षेत्र चदरे में हाल ही में अभी विवाद हो गया था। जमीनी विवाद के चलते कुछ लोगों ने धमकी भी दी थी, लेकिन धमकी देने के बाद अब उसकी बीवी उसके घर पर नहीं है। लेकिन जिस शिकायत चौकी खड्डी के प्रभारी से की गई, तो चौकी खड्डी प्रभारी का अमानवीय चेहरा आया और रिपोर्ट ना लिखकर उसे बेरंग वहीं से लौटा दिया। आइए सुनते हैं क्या है पूरा मामला। और बिहारी धमकी दी सी, तहसीलदार पटवारी सरपंच सब धमकी दे के और ओका चले गए हैं। अब रात में आई तो रात में तो खाना पीना नहीं खाई, पड़ी रही। अब सवेरे हम मजदूर आदमी साहब चले गए काम करें, 8 बजे घर से निकल गए। जब हम 1 बजे घर में आए तो ओकर चप्पल ही उतारा, खाना पीना बना सब पड़ा रहा, न खाना पी खाई न चाह पीस। अब हम घर मान तो सब खुला के हमारा पान सब दरवाजे सब आयरा पच आओ भैया नौकरी के खा ले हम चले आने साहेब जंगल में बसे हैं। तुम नहीं जीने तिनाई नहीं आने दिखाई सुनैया, जे चाहे तिमार डाले जे चाहे खा ले। हमारा सुनने वाले को नहीं आए श्रीमान जी, हमें के सब हिस्सा है। हम कहीं गाड़ी मार गई के धीरंग में गई के और निकाल दिन ही ना, पता नहीं कि कहाँ मार डाल कहाँ गए कहाँ पता नहीं। पूरा दिन आज 24 घंटा हो गया हैरत, कहाँ पता नहीं आए। चौकी खट्टी में रिपोर्ट करे गए, चौकी खट्टी वाले कहें कि हम भाई ना अपने रिपोर्ट लिखा, अब है 2-4 रोज तक रिपोर्ट लिखा। यह है हमारे श्रीमान जी निवेदन आप।